गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको मेरी वीडियोस की अपडेट्स आती रहेगी। आज मैं बात करने वाली हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में, जो कि मेकअप रिलेटेड है। मेकअप से रिलेटेड लूज पाउडर है, जो कि बहुत सारे लोग इसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। आज मैं उनको बताना चाहती हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है वो भी मैं आपको बताऊँगी और ये क्यों ज़रूरी है। सी, ये फ्लोर मार्क है। फ्लोर मार्क के बहुत सारे प्रोडक्ट का रिव्यू मैं दे चुकी हूँ, जो कि पर्सनली मैं यूज़ करती हूँ, मेरे फेवरेट भी हैं। और सी, ये फ्लोर मार्क का लूज पाउडर है, ये नंबर 2 है मेरी स्किन टोन के हिसाब से। आपकी जो भी स्किन टोन है आप देख सकते हैं, उससे रिलेटेड आप ले सकते हैं लूज पाउडर। ये नंबर 2 है और ये एक्सपायरी डेट इसकी 2021 है। ये 18 ग्राम है और 12 मंथ तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं ओपन करने के बाद। इसके अलावा इसके छोटे छोटे होल हैं, आप देख सकते हैं। और ये स्पंज की मदद से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ब्रश की मदद से भी यूज़ कर सकते हैं। सी, ये बिल्कुल बैठ के आता है। अब मैं आपको बताऊँगी ये किस पर्पज़ के लिए होता है। जी हाँ, ये देखें, आप इसको इधर से भी खोल के कर सकते हैं, जो कि खुल नहीं रहा है, आप खोल सकते हैं क्योंकि मेरे नेल्स हैं। और ये होल की मदद से भी आप अगर यूज़ करेंगे तो सबसे बेटर यही रहेगा, इजीली यूज़ होता है। और सबसे ज़रूरी बात मैं बताती चलूँ कि ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। तो जी हाँ, फाउंडेशन के बाद इसको अप्लाई किया जाता है, क्योंकि फाउंडेशन को अगर हमने बेक करना होता है तो वो हम लूज़ पाउडर के साथ बेक करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। अगर फाउंडेशन को आप लगा के छोड़ दें तो वो कभी भी आपकी स्किन पे इतना ज़्यादा बैठेगा नहीं और काफ़ी टाइम तक चलेगा भी नहीं। अगर आप लूज़ पाउडर अप्लाई करेंगे तो वो काफ़ी टाइम तक आपका स्टे रहेगा। और सबसे बेस्ट चीज़ उसकी ये है कि लूज़ पाउडर हमेशा हमेशा ज़रूरी होता है। जो लोग समझते हैं कि वो ज़रूरी नहीं होता, मैं उनको बताना चाहती हूँ मस्ट होता है लूज़ पाउडर। और ये है मेड इन टर्की है, बहुत अच्छा है। और ये नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैक्स फैक्टर नेचुरल मिनरल्स फाउंडेशन। ये फाउंडेशन है। अब आप सोचेंगे कि ये पाउडर फॉर्म में है तो ये फाउंडेशन क्यों है। इसके ऊपर एक ब्रश भी आता है, जो कि अभी मेरे पास नहीं है। सी, ये पाउडर फॉर्म में होता है, ये फाउंडेशन की, इसको आप फाउंडेशन बना सकते हैं। पानी में थोड़ा सा पानी लें, थोड़ी सी क्वांटिटी आप पानी की लें और उसके अंदर ये पाउडर डालें तो ये फाउंडेशन बन जाएगा। सी, मैं आपको इस तरह भी लगा के दिखा सकती हूँ, ये बहुत अच्छा इसका कलर है। पर्सनली मैं खुद यूज़ करती हूँ और मैं इसलिए इसका रिव्यू ये लूज़ पाउडर के साथ इसलिए दे रही हूँ, क्योंकि मैं जब मुझे फाउंडेशन लगाना होता है उसके बाद मैं लूज़ पाउडर लगाती हूँ, उसके बाद मैं ये भी लगाती हूँ, जो कि बहुत अच्छा रहता है। इसमें थोड़ा सा शिमर भी ऐड है, जो कि जब मैं अपनी स्किन पर लगाती हूँ तो बहुत ज़बरदस्त एक बेस सी बन जाती है, जो कि ऐसी मैं लगाती हूँ। अगर आप इसकी बेस बनाना चाहते हैं एज अ फाउंडेशन तो आप तब भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको सिंपली डायरेक्टली अप्लाई कर लेती हूँ, जो कि इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा ब्राउनिश सा है, ब्राउन कलर का है तो मुझे अच्छा लगता है। ये भी यूके से है और मैंने इसको दुबई से लिया था, दुबई से आया था ये मेरा, ये जो कि आप भी अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैक्स फैक्टर का है, जो कि मैक्स फैक्टर की भी बहुत सारे प्रोडक्ट अच्छे होते हैं मेकअप से रिलेटेड। और फ्लोर मार की अगर मैं बात करूँ तो फ्लोर मार आप इजीली पाकिस्तान में अवेलेबल है, आप ले सकते हैं फ्लोर मार का। अगर आपने लेना है कोई अच्छा लूज पाउडर लेना है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप फ्लोर मार का लें, क्योंकि फ्लोर मार का लूज पाउडर बहुत अच्छा रहता है। इसको मैंने काफ़ी टाइम तक यूज़ किया है, लेकिन फिर भी इसकी क्वांटिटी अभी भी आप देख सकते हैं कि मैंने अभी आपको दिखाया था कि लूज़ इसकी क्वांटिटी अभी भी है, काफ़ी ज़्यादा है। और इसको आप काफ़ी टाइम तक यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और समर में, विंटर में बहुत सारे लोगों का ये इशू होता है कि हम विंटर में अगर लूज़ पाउडर यूज़ करें तो क्या वो आपकी स्किन पर मतलब जम तो नहीं जाएगा या इस तरह मतलब ख़राब तो नहीं होगा, लेकिन समर में भी उतना ही ज़रूरी होता है जितना विंटर में भी उतना ज़रूरी होता है जितना समर में यूज़ ज़रूरी होता है।
समर में क्या होता है, आपको पसीना आता है, उसके लिए आपको लूज पाउडर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे आपका जो पसीना होता है वो बिल्कुल भी इतना ज़्यादा नहीं आता। अगर आप लूज पाउडर यूज़ करें तो उससे आपका जो पसीना है वो ख़त्म होने लगता है, मतलब कम होने लगता है। इसलिए आपको लूज पाउडर बहुत ज़रूरी होता है, क्या वो समर में हो या वो विंटर में हो। विंटर में भी उतना ही ज़रूरी होता है जितना समर में ही ज़रूरी होता है। और अगर आपने मेकअप को फिक्स रखना है और आपको चाहिए कि मेकअप ज़्यादा देर तक लॉन्ग टाइम आपका स्टे रहे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये मस्ट है। आप कुछ भी कर लें, आप फाउंडेशन में कुछ भी लगा लें, अच्छा प्राइमर लगा लें, लेकिन आपने लूज पाउडर नहीं लगाया तो आपका मेकअप कंप्लीट नहीं होगा। और मेकअप आपका अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि अच्छा रहे और काफ़ी टाइम तक रहे, तो आपने लूज पाउडर ज़रूर यूज़ करना है। मैं यूज़ करती हूँ फ्लोर मार्क का, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करती हूँ फ्लोर मार्क का लें, क्योंकि फ्लोर मार्क का लूज पाउडर बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसको लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।